कि जाड़े का सीजन है, कोहरा पड़ता है, कोहरे के दौरान जो जो अपराध संभावित है उसको रोकने के लिए हमें उपाय करने होंगे। अब इन अपराधों में रात्रि में हमको जो रात्रिकालीन पुलिसिंग होती है, जो पेट्रोलिंग होती है, सारी चीजें हमको बढ़ाना होगा। अब बढ़ाने से तात्पर्य यह है, आपका मेन हाईवे का थाना है, इस थाना क्षेत्र में कुछ ग्रामीण एरिया भी होंगे, कुछ हाईवे रिलेटेड भी चीजें होंगी जिसमें आपको ध्यान देना होगा। जितने ढाबे होंगे, जितने पेट्रोल पंप होंगे, इस तरीके की जितने स्थान होंगे उस पे आपको पहले ही जाके नोटिस निर्गत करना पड़ेगा अपने थाना प्रभारी के दस्तखत से। नंबर 1, इन स्थानों पे सीसीटीवी कैमरे है या नहीं ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सीसीटीवी बात करके लगवाना पड़ेगा जहां लोग बाहरी आ करके, और उसमें चाहे वो किराए के रूप में 24 घंटे के लिए, घंटों के लिए, जो भी, चाहे सराय हो, होटल हो, ढाबा हो, वहां जा करके जो नियमानुसार आपको ये पता है कि वहां किस किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए, रजिस्टर है या नहीं है, रुकने वाले के लिए आईडी प्रूफ ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, एंट्री एग्जिट पार्किंग सहित जो भी वहां सीसीटीवी फुटेज की व्यवस्था है या नहीं, ये सब चीजें आपको चेकिंग करके सुनिश्चित कराना होगा और उस मालिक को भी अवेयर करना होगा। साथ ही साथ इस विषय में आपको ये 100% ध्यान देना होगा कि आपकी जो पुलिसिंग हो, पुलिस की जो कार्रवाई हो, दृढ़ता पूर्वक तो हो, लेकिन उसमें किसी तरीके से किसी यात्री के साथ, किसी के साथ कुछ मिसहैंडलिंग नहीं होना चाहिए, मिसबिहेव नहीं होना चाहिए। आपके जो कठिन दायित्व है, इन दायित्वों का तो दृढ़ता पूर्वक निर्वहन करेंगे, अदरवाइज कोई किसी तरीके की शिकायत कतई नहीं मिलनी चाहिए। इतना क्लियर हो गया। नंबर 2, आपको यह भी पता है कि अगर होटल ढाबे या जो भी चीजें हैं, वाहन जो भी आएगा वो आ करके अगर रोड के किनारे खड़ा कर देगा, रात्रि में जब कोहरा ज्यादा रहेगा तो क्या पीछे से आने वाले को दिखाई देगा? बोलो। नहीं सर। जब नहीं दिखाई देगा तो उस स्थिति में एक्सीडेंट होगा, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग कैजुअलिटी होने की संभावना रहेगी नहीं रहेगी? नहीं। अगर इस तरीके कोई घटना दुर्घटना होगी, सबसे पहले यही चीज फ्लैश होगा कि पुलिस क्या कर रही थी। पुलिस का ये रोल है, जैसा आपको पता है कि पहले से आप सब लोगों को कम्युनिकेट किया गया है, किसी भी स्थिति में सड़क के किनारे किसी को पार्क न होने दिया जाए। अगर आपकी कहीं कोई चेकिंग पॉइंट है जहां आपने ड्रम या बैरियर लगा करके चेकिंग वगैरह कराया है, चाहे वो कहीं दूसरे रोड पे या जहां कहीं भी हो, आपने चेकिंग बंद करा करके और उसको ऐसे जिगजैग बैरियर को वहीं छोड़ दिया, ड्रम वगैरह जो आपने लगाया है उसको वहीं छोड़ दिया, रात्रि में दिखा नहीं, उससे टकरा करके कोई एक्सीडेंट हो जाए, मान के चलो 100% इसमें लैंड अडर हो जाएगा। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है और किसी भी स्थिति में इसको नहीं होने देना है। होटल ढाबे या इस तरीके की चीजों में कहीं कोई नारकोटिक्स या इस तरीके की चीजें तो नहीं बिक रही हैं, आपको ध्यान देना होगा। ये भी तो आपको देखना पड़ेगा कि कुछ लोग गैंग बना करके, ऐसा तो नहीं कि ट्रक वाले कहीं से आ रहे हैं और पहले से खड़ा करके अननेसेसरी उससे उलझने का प्रयास कर रहे हो, पता चला कि बाहर का नंबर की गाड़ी को देखा या कहीं दूसरे स्टेट के नंबर की गाड़ी को देखा और उससे उलझने लगे कि भाई तुमने क्यों हमें कट मार दिया, क्यों हमारा एक्सीडेंट कर दिया, भाग के आ रहे हो, और उलझ करके उससे रुपए पैसे लेने लगे। इन सब सारे चीजों को आपको ध्यान देना होगा। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान देना होगा कि आपका जो भी दायित्व है अप टू मार्क होना चाहिए, आपका ड्रेस कोड अप टू मार्क होना चाहिए, किसी जो आपके परेन दायित्व है उन दायित्वों का निर्वहन करते समय किसी भी स्थिति में किसी तरीके की आप कोई नशा का सेवन नहीं करोगे। क्लियर हो गया इतना? अगर मुझे ये जानकारी मिलेगी कि एक वर्दीधारी सड़क पे इस तरीके के गलत आचरण करते हुए मिलेगा, मान के चलो मैं सुनिश्चित कराऊंगा कि उसके माकूल ही आपको दंड मिले। आप लोगों को अच्छा लगता होगा कभी अगर कोई, जब देखते होंगे सोशल मीडिया में किसी वर्दीधारी की इस तरीके की वीडियो जो वायरल होती है, आप लोगों को गुस्सा नहीं आता है? आता है नहीं आता है? आता है ना? आप लोगों को भी खराब लगता होगा ना कि हमारी वर्दीधारी, हम लोग कितना दिन रात मेहनत करते हैं, इस एक नालायक की बदौलत पूरी की
छवि धूमिल हो गई, लगता है कि नहीं लगता है आप लोग? तो लगता है। तो इस तरीके का स्कोप कम से कम जनपद बस्ती पुलिस से कोई कहीं मिलना नहीं चाहिए। नंबर एक तो ये देख लीजिए, आपका जो बिहेवियर है वो जो आपसे अपेक्षा की जाती है उसी के अनुरूप होना चाहिए। रात में अगर आप जो भी पेट्रोलिंग के लिए जा रहे हैं, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के लिए जा रहे हैं, दृष्टिसीचक दुराचारियों की चेकिंग के लिए जा रहे हैं, वारंट का तामीला कराने जा रहे हैं, जो भी आपको कार्य सरकार सौंपा जा रहा है, इसमें आपसे जो अपेक्षा की जा रही है वही कार्रवाई करें। टोल वगैरह के पास जिसकी ड्यूटियां अगर हो रही है, टोल के पास ड्यूटियां हैं, तो आप ये मत समझिए कि टोल के पास हमें सुवर्षन मिल गया कोई और कार्रवाई करने के लिए, वहां भी सीसीटीवी लगा हुआ है। तो ध्यान दे करके जिस चीज के लिए आपकी ड्यूटी लगाई जा रही है, संदिग्ध वस्तु और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग करने के लिए, तो आपका मोटिव सिर्फ और सिर्फ यही होना चाहिए। इतना आप ध्यान दीजिएगा। आप सब लोगों को पता है कि अभी जनवरी का महीना, जैसे हमने दो महत्वपूर्ण इवेंट की बात कही, फरवरी मार्च के बाद आपका इलेक्शन पूरा शुरू हो जाएगा। इलेक्शन के दौरान आप लोगों से ढेर सारी कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है। आपसे ये कहा जाता है, पहले से आप जैसा चेकिंग भी करते रहे हो कि विगत 5 सालों के, अभी आपके कार्यालय में मैंने बताया है, इस तरीके की लिस्ट अगर नहीं है तो वो पूरा कंपाइल करेंगे, अगर है तो आप लोगों को देंगे कि विगत 5 सालों के जितने आपके, चाहे वो शस्त्र अधिनियम के अभियुक्त हों, चाहे आबकारी अधिनियम के हों, NDPS के हों, पुलिस मुजाहमत के हों, आपके गोकसी या गो तस्करी के हों, आपके सामुदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले अभियुक्त हों, जितने प्रॉपर्टी अफेंडर हों, इस तरीके की सबकी लिस्ट होगी। आप लोग कृपया मेहरबानी करके अपने अपने क्षेत्र के, चाहे वो बीट के पुलिस अधिकारी हो, चाहे हल्का के पुलिस अधिकारी हो, खाली सबका पुलिस वेरिफिकेशन करा लीजिए। अगर वो लोगों को कई बार आप एक ज्वाइंट रूप से यहाँ थाने पे आमंत्रित कर लीजिए, अगर वो बुलाने पे आपके थाने पर नहीं आ रहा, मान के चलो अभी भी वो किसी न किसी क्राइम में इन्वॉल्व है, और क्राइम में इन्वॉल्व हर व्यक्ति, रुक जाओ अभी, क्राइम में इन्वॉल्व हर व्यक्ति को टटोल करके नियमानुसार उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई जब तक आप नहीं करोगे, आप मान के चलो अपराध को नियंत्रित नहीं कर सकते हो। आपको अगर आप जा रहे हो अपने बीच में, अपने हलके में जा रहे हो, ग्राम सुरक्षा समिति को एक्टिवेट करना ही होगा। ग्राम सुरक्षा समिति को एक्टिवेट करिए, उनके साथ कंधे से कंधे मिला के रात में जाइए, उनको देखिए और कोशिश करिए कि वहां उस गांव में किसी तरीके की कोई अफवाह न फैले, कोई अपराधकारी न हो। कितने शर्म की बात होती है, अभी आपके पड़ोस में ही थाने के वाली रोड पर जस्ट बगल में चोरी हो जा रही है, हम कर क्या रहे हैं? घटनाएं होती चली जा रही है, ना कोई वर्कआउट कहीं हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, तो ये बहुत खराब बात है। मेहरबानी करके जिसका भी जो एरिया है, आप लोग अपने आप को जगाइए और क्राइम को प्रिवेंट करिए।